APS स्कूल है उसको अचानक से बंद कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे आरटी के माध्यम से राशन कार्ड, BPL राशन कार्ड के माध्यम से पढ़ते हैं। हमारा कहना ये है कि अगर वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, तो आरटी के ही माध्यम से हमारे बच्चे को किसी और आरटी स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। बंद करने का मुख्य कारण तो अपने को भी समझ नहीं आया। देख रहे हैं आप PLC न्यूज़ और DLC न्यूज़ में एक स्कूल का मुद्दा जो है वो सामने आया है, जहां पर APS स्कूल जो संचालित हो रहा था अचानक स्कूल का बंद होना, जिससे पेरेंट्स जो है एक असमंजस से फंस गए हैं कि अब उनके बच्चों के साथ क्या होगा, क्यों स्कूल बंद हुआ, चलते चलते क्या कारण है। जानकारी के मुताबिक बस में भी जो बच्चों को लाना ले जाना किया जा रहा था उसमें मशरूम का काम किया जा रहा है। क्या है पूरी मामला, आइए समझते हैं। जी अपना परिचय बताइए। मैं श्रीमती नंदी लहरी, APS स्कूल में मेरा बच्चा है, मेरी बेटी क्लास 5 में पढ़ती है, और APS स्कूल है उसको अचानक से बंद कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे आरटी के माध्यम से राशन कार्ड, BPL राशन कार्ड के माध्यम से पढ़ते हैं। हमारा कहना ये है कि अगर वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, तो आरटी के ही माध्यम से हमारे बच्चे को किसी और आरटी स्कूल में दाखिला दिलाया जाए, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे, अंधकारमय ना। आपने इस विषय पर किसी से चर्चा की है? हम लोग विधायक महोदय के पास गए थे, जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गए थे, उस दिन गोठबाद था CM साहब का वहाँ दुर्ग में, वहाँ भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ वो निर्णय नहीं आया। कौन से स्कूल का मुद्दा है ये? अमरीश शर्मा धनोरा स्कूल में है। धनोरा लगभग कितने बच्चे हैं? 180 बच्चे हैं वहाँ। पूरे 180 बच्चों को निकाल दिया गया, स्कूल बंद करके? स्कूल अभी बंद नहीं है, चल रहा है, लेकिन आगामी आने वाले सत्र में टोटली बंद कर दिया जाएगा बोल रहे हैं। ऐसा स्पष्ट उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में? हाँ स्पष्ट, उन लोग रोज व्हाट्सएप के माध्यम से आरटी के जो पेरेंट्स हैं उन लोग भी अपने बच्चे का TC निकाल लें, अन्यथा आने वाले साल में उनके एडमिशन में दिक्कत जाएगी करके व्हाट्सएप कर रहे हैं पूरा पेरेंट्स लोगों को। हाँ ग्रुप है, पेरेंट्स का ग्रुप है, उसमें बोलते हैं कि जो आरटी के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी अपना TC निकाल लें, तो हम लोग TC निकाल लेंगे मैडम, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन कौन सी स्कूल में होगा, मेन समस्या ये है। आपने DO से इस विषय में बात की? हाँ किए हैं। अचानक चलने वाला स्कूल जो संचालित हो रहा है अगले सत्र से उसको बंद कर दिया जाएगा, इस पर? हाँ DO के यहाँ गए थे, सभी पालक गए थे, उनका कहना ये है कि अभी चल रहा है तब तक भेजो, आने वाले सत्र में देखेंगे व्यवस्था करेंगे, लेकिन मैडम सामान्य जो पेरेंट्स हैं उन लोग सारे अपने बच्चों को निकाल चुके हैं, बच रहे हैं आरटी के। तो हमारा कहना ये है कि आरटी के बच्चे 8-10 जैसे एक क्लास में बच रहे हैं, तो 8-10 को पढ़ाने के लिए क्या उन लोग अच्छे टीचर रखेंगे, क्या वो व्यवस्था दिला पाएंगे जो पहले दिलाते थे, उससे चलते हम लोग संतुष्ट नहीं है, हमारे बच्चे वहाँ अच्छी शिक्षा पा पाए। अभी आप लोग बता रहे थे कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण करने की बातें कुछ बता रहे, उसीलिए अभी हम कलेक्टर महोदय से आवेदन दिए हैं, तो उनका कहना ये है कि ये नियम है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे को कि अन्य किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए करके, उसी प्रोसीजर से पढ़ाई शुरू हो सके। हाँ KD स्कूल है जो हमारे बोरसी में, उनका KD स्कूल किसका है? KD माननीय गृह मंत्री जी का है, उनका कहना ये है कि शिक्षा अधिकारी अगर लिख के देते हैं कि इस बच्चे को APS से ट्रांसफर करके KD में दाखिला दिलाया जाएगा, और जो फंडिंग आरटी के बच्चों का APS में आता है वो KD में आए, तो हम वहाँ के बच्चों को अपने KD स्कूल में दाखिला दिला देंगे बोल रहे हैं। तो अभी आपको किसी प्रकार की संतुष्टि हुआ है कि आप अपने बच्चे को? मैडम अभी तो कुछ संतुष्टि हुआ ही नहीं है, जब तक हमारे बच्चे उस स्कूल से निकल के किसी अन्य स्कूल में, अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं होते, तब तक तो हम लोग संतुष्ट है ही नहीं ना। जी मैं आती हूँ। जी भैया बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र कुमार साहू है मैडम। जी क्या मामला है आप? मेरे यहाँ बच्चा APS में पढ़ता है, आरटी के तहत पढ़ता है ना, तो पिछले सत्र क्लास 1 में पढ़ा था, इस क्लास 2 में जाएंगे, तो अचानक से क्या है अमरीश शर्मा सर स्कूल बंद कर रहे हैं, तो बच्चों का TC निकाल रहे थे। बंद करने का कारण क्या बताओ? कारण अब बंद करने का मुख्य कारण तो हम अपने को भी समझ नहीं आया मैडम, काहे के लिए बंद कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे आरटी के तहत पढ़ रहे हैं तो वहाँ से किसी दूसरे अन्यत्र स्कूल में अगर ट्रांसफर कर देना,
तो बाकी पेरेंट को भी सुविधा मिल जाएगी। जी भी अपना परिचय बताएंगे। मैं खेमला साहू बोल रहा हूँ। जी क्या आपका मामला क्या है? मेरा भी वही है, मेरे भी बच्चे वही स्कूल पढ़ाई करते हैं तो क्लास टू में, इस साल क्लास थ्री में जाएंगे तो उनके लिए भी मैं चाह रहा हूँ कि स्कूल बंद हो रहे थे दूसरे स्कूल में आर टी के माध्यम से एडमिशन मिल जाए। लगभग कितने पेरेंट्स होंगे जो प्रभावित होंगे? मैं इंदरमन कोसरे बोरसी बस्ती से बोल रहा हूँ, सीता मंदिर के पास से। मेरा दो बच्चे पिछले साल एडमिशन कराया हूँ, 10,000 रुपये डोनेशन फीस देके, 12वीं तक का फीस नहीं लगे करके बोले थे और अचानक स्कूल बंद कर दिए हैं और बस भी बंद कर दिए हैं। बस ड्राइवर से मैं चर्चा किया हूँ तो बोले कि मशरूम का खेती कराते हैं, शनिवार को हम लोग जब बच्चे को स्कूल ला देते हैं तो पार्ट टाइम में मशरूम का बस में ले जाके वहाँ बेचना पड़ता है करके बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट तो पूरा बंद कर दिए हैं। अब तो इससे पहले उस बस में बच्चे का आना जाना, बच्चे को ले जाके खाली समय में मशरूम का वो करके लोड करके ले जाते हैं ड्राइवर लोग बताए मुझे, और बोरसी का ही ड्राइवर लोग हैं दो चार जने, उन लोग बताए हैं। और भाई बस क्यों बंद कर रहे हैं तो बोलते हैं कि अवेजी में ड्राइवर रखे हुए हैं। बंद करने का कारण कुछ पता चला क्या? बंद करने के कारण यही ड्राइवर लोग बताए हैं, उसी बस ड्राइवर लोग जो बोरसी में चला रहे हैं वो लोग, कि हम लोगों को बस चलाएंगे कि मशरूम का खेती करेंगे। बस ड्राइवर लोग करते हैं उसमें, लाते ले जाते हैं और जैसे शनिवार का स्कूल का छुट्टी हुआ तो उन लोगों को बुलाते हैं और मशरूम का खेती कराते हैं। अच्छा, वैसे ही बताए बस। जी भी आप कहाँ से हैं? मैं रिसाली से हिंद नारायण साहू। क्या मेरा भी बच्चा वहीं आर्टिक तहत अनंत शर्मा स्कूल में पढ़ता है। धनोरा में है, एपीपी स्कूल है ना? एपीएस एपीएस स्कूल के बारे में बता रहे हैं जी। वो आरटी के तहत बच्चे लोग सब पढ़ते हैं तो जो प्राइवेट में जो पढ़ते सब बच्चे तो अपने निकाल लिए हैं और जो आरटी के तहत हैं वो बच्चे अभी उनके हैं तो उनके लिए कहीं ट्रांसफर किया जाए कोई अन्य स्कूल में, वही हमारी मांग है। अभी आपको किसी प्रकार से मतलब जहाँ पर मुलाकात करने आए हैं आपको किसी प्रकार से आश्वासन मिला है? आपने डीओ सर से इस विषय में शिक्षा अधिकारी से बात की है? हम सभी लोग गए थे, सब साथ। क्या कहना डीओ साहब का? डीओ साहब का कहना है कि अभी तो स्कूल चल रहा है, आने वाले सत्र में जब बंद होगा तब देखेंगे। किस तरह से देखेंगे? क्या उन बच्चों को फिर से लेंगे दूसरे स्कूल में, केडी स्कूल में लेने की बात कर रहे हैं? केडी स्कूल में तो वो लोग बोले नहीं है वैसे, लेकिन अन्य स्कूल में हम कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो जो आप लोग को जो सुविधा दिया जा रहा है उसी के तहत आप लोग को दिया जाएगा इस तरह से? ऐसा तो उनका कहना है, या हो सके तो आत्मनंद में हम कोशिश करेंगे, आत्मनंद स्कूल जब खुल जाएगा तो ऐसा। डीओ का कहना है कि ये नियम ही नहीं है, डीओ शिक्षा अधिकारी का कहना ये है कि ये नियम ही नहीं है कि बच्चे को ट्रांसफर, अगर हम आरटी के पात्र हैं यही सोच के हमें हमारे बच्चे को अच्छा स्कूल मिलेगा सोच के हम भर्ती किए अपने बच्चे को आरटी के माध्यम से, अब हम कर दिए वहाँ आरटी के माध्यम से हमारे बच्चे का भर्ती हो गया कोई भी स्कूल हो और उस स्कूल में हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो उस आरटी का क्या मतलब पड़ा? जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी सोच के भर्ती किए और वहाँ की पढ़ाई जीरो है तो कोई मतलब नहीं। ये नियम जो है ना, एक बार आप आरटी में रजिस्ट्रेशन करा दिए तो किसी और या अन्य स्कूल में आपका आरटी से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये नियम गलत है। अगर हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो हमको ये अधिकार देना चाहिए उस स्कूल से निकाल के हम उसी आरटी के माध्यम से किसी और स्कूल में हम अपने बच्चे को दाखिला करा सकें, ये नियम होना चाहिए। ऐसा है कि हम आरटी से बंध गए हैं, आरटी के जो नियम है उसके अंदर हमारे बच्चे बंध गए, उससे हमारे बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल कहाँ से नजर आएगा, वो तो अंधकार में ही दिखेगा ना। हमारा अभी आपने देखे जो पेरेंट्स है उसको किस कदर से अपने बच्चे को भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, जो बीच बीच में अपनी बातों को रखते चले जा रहे हैं। अब देखना ये है क्या कि आरटी के जो बच्चे जो जिस सुविधा के साथ तो एपीएस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, अचानक एपीएस स्कूल जो है अगले सत्र से बंद हो जाएगा, जिसके चलते आरटी में जो पढ़ रहे बच्चे के अभिभावक परेशान है। क्या इन बच्चों को दूसरे स्कूल में क्या ट्रांसफ़र कराने का कोई नियम है? अगर है तब तो लगभग 180 बच्चों की भविष्य जो है वो बच जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अगर ये नियम नहीं है और आधे अधूरे सत्र में अगर स्कूल का बंद होना अगर पूरी तरह से बंद होता और इनके बच्चों के बारे में अगर सोचा नहीं जाता तो इनके बच्चों के भविष्य के साथ वाकई में खिलवाड़ हो जाएगा। हर खबर के लिए बने रहिए बीएलसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।